हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। माय नेम इज सुधा कुमारी। सो आज का टाइटल है कि व्हाट्स इन माय पाउच। लोग तो व्हाट्स इन माय बैग, व्हाट्स इन माय बैग बनाते हैं, आज मैं बना रही हूँ व्हाट्स इन माय पाउच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हाँ, उसके बाद मैं बनाऊंगी व्हाट्स इन माय बैग, ठीक है? तो चलो एक एक करके दिखाती हूँ। देखो गाइस, एक बात बड़े छोटे स्टैंडर्ड में थे, अगर छोटे क्लास में थे तो सोचते थे यार हम लोग के पास स्टॉक बॉक्स होता, पेंसिल बॉक्स रहता, उसमें ये रखते कितना अच्छा लगता, उसके पीछे गेम्स होता, ये खेलते। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे पाउच ही मिले। पाउच ही मेरे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उस समय तो इतना नॉलेज नहीं था। बट अब पाउच तो कम जगह स्पेस लेता है, बट स्टॉम बॉक्स या फिर पेंसिल बॉक्स इतना स्पेस ले लेता है, लगता है तो बैग इतना फूल जाता है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ पाउच। आपको क्या पसंद है, पेंसिल बॉक्स या फिर पाउच? चलो मैं आपको सामान दिखाती हूँ, लेट्स बिगिन। आज मैं अकेली हूँ कि वो दोनों स्कूल गई हुई है, सो मैं सोचा कि बना लेती हूँ, उसके बाद पढ़ाई किया जाए। देख लीजिए मेरे नजर में। देख लो ऐसे मेरा पाउच। अरे ये भी बन सकता है ऐसे बार। बहुत ज़्यादा दे दिया मैंने ऐसे बार। चलो अब सही में दिखाती हूँ कि आखिर क्या क्या है। पाउच खोलती हूँ, सबसे पहले मैं आपको आइटम्स पाउच से निकाल के दिखाती हूँ, और इतना सारा सामान भी हट जाता है इसमें। मैं यहाँ गाइस, राइटिंग जज मत करना। ये रही गाइस, मैंने ऐसे लिखा है। खैर मैं तो अभी ऐसे ही जल्दी जल्दी में ऐसा लिख दिया, बट मेरी राइटिंग को आप इतना इग्नोर मत करना। आपको मेरी राइटिंग देखनी है, देख लो। ये देखो मेरी राइटिंग, एक सेकेंड, ये देखो नोट्स। हाँ गाइस, अगर आपको नोट्स पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको नोट्स पे भी वीडियो बनाऊंगी। खैर अभी मैंने थोड़ा सा बाकी है, उसको कंप्लीट करूंगी। गाइस उसी तरह ये ब्लू चलता है और ये ब्लैक चलता है, ये पिंक नहीं चलता, ऐसा ही है। ये रहे बॉल पेन, ये टू बॉल पेन, तो टू बॉल पेन और है मेरे पास। मेरे पास मतलब टोटल फोर बॉल पेन हो गए, जेल पेंस पे आते हैं तो मेरे पास लिंक के टू जेल पेंस हैं, लिंक ओशियन जेल क्वाटर टू, ये दो हैं मेरे पास, एक ब्लैक एंड ब्लू, और एक मैं ऐसे न्यू रखी हुई हूँ जेल पेन ब्लैक कलर का, ऑक्टेन का, क्लासमेट का, इस टाइप का मैंने यूज भी नहीं किया है, मैं इधर रखी हुई हूँ कि ताकि बाद में कभी यूज़ कर।
मैं 2 पेंसिल्स रखी हूँ एंड इरेजर एंड शार्पनर एंड ये है थोड़े डेकोरेटिव, ठीक है, ये हाइलाइटर पेन है, ऑरेंज कलर का है और ग्रीन है, ये नियॉन में है और ये ऐसे लिंक क्वेश्चन का जेल पेन ही भी है। ये नोट्स बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे कलरफुल पेन है नोट्स बनाने के लिए, बट मैं पाउच में यही 3 लेके जाती हूँ। एंड स्केल है। सो फ्रेंड्स, ऐसे आइटम्स हैं, ऐसे मेरे पास पेन्स हैं जो मैं नहीं ले जाती हूँ बट नोट्स बनाने के काम आते हैं। ये एक ब्लू है, स्काई ब्लू, ये पिंक कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, ये बॉल पेन है, ये भी बॉल पेन है, ब्राउन कलर का, नोट्स बनाने में काम आता है क्योंकि मैं अधिकतर नोट्स घर पे ही बनाती हूँ। ये तो बस हाइलाइटर पेन है और ये मैं 3 ऐसे ही लेके जाती हूँ। एक रेड पेन है डोम्स का और एक ग्लिटर पेन है क्योंकि मैं घर पे नोट्स बनाना ज़्यादा करती हूँ। ये इतना पेन अगर मैं ले जाऊँ मेरा पाउच फट जाएगा, मजाक कर रही हूँ फिर भी। और मैं मार्कर लेके जाती हूँ बाय चांस कोई प्रोजेक्ट वगैरह। ये परमानेंट मार्कर तो मेरे हाथ से छूटेगा, नहीं छूट रहा, छोड़ो। तो ये मार्कर टेबल पे रखो। एंड एक मेरे पास बहुत गजब का है फाउंटेन पेन, ये देखो लिखा है मैंने कुछ, आपको समझ नहीं आएगा, मैं इससे कैलीग्राफी सीख रही हूँ। एंड ये मुझे 30 रुपीस का पड़ा, इसमें एक इंक है और एक इंक मिलती है एक्स्ट्रा 30 रुपीस का, रेनॉल्ड्स मीपेन, इसको यहाँ रखते हैं। एंड ये मैंने आज ही खरीदा है एंडलेस पेंसिल, हाँ अभी जस्ट खरीद के आई हूँ एंडलेस पेंसिल। इतना लाइट चलता है कि आपको विश्वास ही नहीं होगा। मैं इस पे जितना भी इस पे फोर्स लगाऊंगी मैं ना उतना कम है, मैं इतना फोर्स लगा के लिख रही हूँ तब भी इतना हल्का चल रहा है ना। ये ना आर्टिस्ट के लिए बेस्ट है, उनको पहले वो जो बनाना होता है ना बेस, उसके लिए। देखिए आपको दिख भी रहा है कि नहीं, ये देखिए मैंने इतना फोर्स लगा के लिखा, पीछे पेपर पे दाग हो गया बट ये अभी तक इतना हल्का ही है। एंड इसके पीछे गाइस आपको दिख भी रहा है, ये यहाँ पर मैंने इतना फोर्स लगा करके लिखा है तब भी ये आप ना इतना हल्का ही है और पीछे पेपर पे दाग भी हो गया है। एंड एक चीज, इसका कैप, ये लाफी सफारी पेन होता है ना उसी का अगर तुम कॉपी लगता है, जो बच्चे मुझे परेशान करते हैं उसके लिए शॉकिंग पेन, उसके अंदर ऐसे घुसा दो करते रह जाएगा। तो वो ले लिया मैंने, अगर मैं बोलूं कि साइन करो अगर वो ऐसे पीछे से ऐसे प्रेस करेगा तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये देखिए ये है बॉल पेन एंड ऐसे ही सब कुछ मैंने ऐसे रखा है, देख लीजिए। सो आपको वीडियो कैसा लगा और ये मेरे स्टेशनरी के आइटम्स कैसे लगे वो मुझे कमेंट में बताना। चलो अब मेरा गला ठीक हो गया एंड इसको तो नहीं रखना, हाँ मैं आपको अब रखने के थोड़ा सा दे देती हूँ। गाइस आपको एक बात पता है, एक बार याद है मैंने शॉपिंग मॉल वाला वीडियो शूट किया था, हॉल वाला जो था, तो उसमें जो मैंने पाउच खरीदा था ना मैं सोच रही उसी में रख लूँ, बट मैं
खोजना पड़ेगा, उतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसी पाउच में रख लेते हैं। तो इस पे पहले मैं लिख रख रही हूँ बॉल पेंस, स्केल, मार्कर, करंट पेन, नोट्स बनाने के लिए हाइलाइटर पेन, ये लाफी सफारी कम पेन का कॉपी, वाइटर, टू पेंसिल्स, इरेजर एंड शार्पनर, फाउंटेन पेन, जेल पेन्स, टू जेल पेन्स एंड वन न्यू जेल पेन, पाउच, क्लोज्ड। तो ये रहा मेरा पाउच। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।